कर देंगे इनको। पांच में से इनको जीरो नंबर। तो जहां अंक देने की बात है, शायद पांच में से दो अंक जो है उतने ही दे पाऊंगा। पांच में से कितना स्टार देना चाहेंगे उनको कि आप उन्होंने काम किया या नहीं किया? जो काम नहीं करेगा उसे जीरो स्टार देंगे। तो इन आपके जो एमपी हैं उनको पांच में से कितना स्टार देंगे आप? मैं तो पांच में से डबल जीरो दूंगा। मेरे ख्याल से जीरो कहना उचित रहेगा। तो आप तो कितना पांच में से कितने नंबर देंगे काम पर? नहीं, काम तो उनका 0% है। हाँ, जो बंदूक के लाइसेंस पहले बनते थे वो उससे रोजगार काफी मिलता था यहाँ के युवाओं को। फैक्ट्री थी यहाँ पर क्या? फैक्ट्री भी थी, फैक्ट्रियों में चले जाते थे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए, बाहर भी चले जाते थे। इंडस्ट्री का आना बहुत जरूरी था यहाँ बहुत पहले से, लेकिन ये नहीं आ पाई पॉलिटिकल विल पावर की वजह से, ये नहीं हो पाया। तो जब से ये लाइसेंस पर रोक लग गई है, लाइसेंस बनना, बंदूक के लाइसेंस बनना बंद हो गए हैं, तब से वो चीज बंद हो गई है यहाँ से। अब बाहर कोई आदमी नहीं जा पा रहा है। यूथ यहाँ से जो है या तो वो क्राइम की ओर मुड़ गए या फिर यहाँ से पलायन करके बाहर रोजगार के लिए। ठीक, तो ये रोजगार की बड़ी समस्या है। बेसिक जो प्रॉब्लम, मैं तो स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट के हिसाब से बता पाऊंगा कि एक तो एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, जो मालमपुर एरिया है वहाँ पर भी कुछ फैक्ट्रियाँ हैं जो कि मतलब उन्हीं लोगों को लेती हैं जिनकी जुगाड़ है। दूसरा, यहाँ पर इतना सब कुछ हब होने के बाद, मामा और मालमपुर होने के बाद भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया ही नहीं जाता है। सिर्फ जो कंपनियाँ बची कुछ ही हैं उन्हीं में काम चल रहा है, वो भी मतलब उस बेसिस पे नहीं हो रहा है जिस बेसिस पे होना चाहिए। यहाँ के 15 साल से शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने इतना विकास नहीं किया कि ग्वालियर के लोगों को ग्वालियर में ही रोज़गार मिल जाए। उनको कहीं बाहर जाना पड़ता है, कहीं भोपाल जाना पड़ता है, कहीं बाहर जाना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी की जो समस्या है उसका मूल कारण ये है कि यहाँ पर जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो गांव के लेवल पे बहुत ही कमजोर है। जिनमें 100 स्कूलों में मास्टर नहीं है, 2000 स्कूलों में विद्युत कनेक्शन नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर 1200 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है। 18,000 जो प्राथमिक स्कूल हैं वो केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। 150 स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। 350 स्कूलों में शौचालय नहीं है, खेलकूद के मैदान नहीं है, बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है। दूसरी क्या बात है कि यहाँ पर आदर्श स्कूल के नाम पर जो पिछली बीजेपी गवर्नमेंट थी उसने स्कूलों का संविलियन किया, और वो संविलियन के माध्यम से क्या है, जो ग्रामीण इलाकों में जो पहले स्कूल थे वो धीरे एक एक करके बंद होते गए। पर 2.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं इन स्कूलों में, और 2.5 लाख में से 2 लाख का मध्याह्न भोजन पर डे बनता है, जबकि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 0% पे है। हमारे गर्ल्स कॉलेजों में शिक्षक नहीं है, रिक्वायरमेंट डली हुई है पर कोई भर्ती नहीं है। यहाँ पर एक नया पीजी कॉलेज बना हुआ है जिसमें नाले का पानी आज जब से वो स्कूल कॉलेज चालू हुआ है भरा हुआ है, लेकिन उसकी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वैसे यहाँ का पानी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि चंबल का पानी, कहावत है कि चंबल के पानी जो पीता वो कभी वृद्ध नहीं होता। उसके जो मन है मतलब उम्र से बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसका हौसला कभी कमज़ोर नहीं होते। पानी पाइपलाइन सब गंदा पानी आ रहा है, टोटल पूरी सीवर लाइन टूटी डली है, जो पानी की पाइपलाइन है वो गंदा पानी आ रहा है, आदमी पी रहे हैं, बीमार रह रहे हैं, डेली हॉस्पिटल भज रहे हैं। हर आदमी आरओ का पानी तो पी नहीं सकता, यहाँ गरीब लोग हैं जो कहाँ से 30-40 रुपये की बोतल लेंगे। लेकिन भिंड के अंदर जो पानी की सप्लाई है, यहाँ पर बरसों पुरानी पाइपलाइनें पड़ी हैं, पुरानी टंकियाँ हैं, उनसे इतना गंदा, और कुछ उस पुरानी लाइनों में जो लोगों ने जो लेटरिंग के टैंकर बनवा लिए थे उनका गंदा भी पानी उनके अंदर जाता है, नालों का गंदा पानी जाता है। इसलिए यहाँ का जो पानी है ज़्यादातर लोगों के अंदर पेट की गंभीर बीमारियों की समस्या बनी रहती है।
तो नदियों के पानी का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा भिंड में, और उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं किया शासन ने या जनप्रतिनिधियों ने। भिंड जिले की एक बड़ी परियोजना थी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम थी, चंबल नदी पर बननी थी अटेर, 1980 के दशक में ये स्वीकृत हुई, कुछ करोड़ रुपए इस पर मंजूर हुए मध्य प्रदेश शासन ने की, इसके बाद उस पर खर्च भी हुआ, काम भी हुआ, पाइपलाइन वाइन दुनिया भर का काम हुआ, अटेर में कनेरा गाँव वहाँ ही बननी थी, तो हुआ बहुत सारा काम, करोड़ों रुपये खर्च हुए थे, लेकिन बाद में बंद हो गई क्योंकि चंबल नदी को केंद्र सरकार ने, इसमें भिंड का हिस्सा भी शामिल था, नेशनल क्रोकोडाइल सेंचुरी घोषित कर दिया, और वहाँ किसी भी तरह की माइनिंग रेत की और या उसमें पानी को निकालने की दोहन की कोई भी कार्यवाही पर रोक लगाई। केंद्र में बीजेपी की सरकार ही, यहाँ भी बीजेपी की सरकार थी, यहाँ के एमपी जो केंद्रीय मंत्री रहे, फिर भी डेवलपमेंट नहीं, क्या वजह लगती है आपको? वजह सिर्फ राजनीतिक है और कुछ नहीं है, सिर्फ अपना पैसा खाना है और कुछ करना नहीं है। अगर यहाँ 15 साल से सरकार एक ही लोग की है और वो भी केंद्र में भी थी, तो यहाँ ग्वालियर में कोई कमी थोड़ा है किसी भी चीज़ की, सारी रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, यहाँ पर बहुत कुछ बन सकता था, लेकिन वो ये करना नहीं चाहते। नगर पालिका की बैठक थी जब शपथ, पिछले बार जब शपथ हुई थी, नगर पालिका का गठन हुआ था पिछली बार, तो ये खुद गए थे सांसद जी, हम भी थे वहाँ, तो उन्होंने कहा था भिंड को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अमृत स्मार्ट सिटी मिशन, और नगर को जो एक उम्मीद थी कि विकास होगा, विकास की गंगा बहेगी, वो ऐसा शहर में नजर नहीं आता। बहुत पैसा खर्च हो रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पे, जिस कदर पैसा खर्च हो रहा है, शहर का कोई हिस्सा भी अगर आप जाएं तो उसको आप स्मार्ट के अंक नहीं दे सकते। भिंड जिला शायद देश भर का अकेला ऐसा जिला होगा जहाँ कोई भी नेशनल हाईवे यहाँ से होकर गुजरा नहीं। वेल एजुकेटेड आदमी है, पढ़ा लिखा है, कलेक्टर रहा, होम सेक्रेटरी रहा, कुलपति रहा यूनिवर्सिटी का, इनसे बड़ी आशाएं थी सांसद जी से। एक बड़ी रेल परियोजना जो उन्होंने 2014-15 में स्वीकृत की थी केंद्र सरकार ने, भिंड जिले को एक नई रेल लाइन ब्रॉडगेज की देने की घोषणा की थी, बजट पास कर दिया, 1400 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए उसके लिए, भिंड उरई पहुँच रेल लाइन नई रेल लाइन, लेकिन उस पर आज तक 1 इंच भी काम आगे नहीं बढ़ा है, कहीं कुछ नहीं है। अब सीवर का काम ही है, वो भी वैसे ही चल रहा है, कोरी बोई कहीं कुछ नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जब से ये जो भाजपा की तथा कथित ये जो सरकार आई है ना, इसने देश में धार्मिक कट्टरता बढ़ाने के साथ इंसान से इंसान को लड़ाने का काम किया है, और इन लोगों ने वास्तव में एक अखंड भारत को तोड़ने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश की है, और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है मुरैना में। हमारे मुरैना के स्वास्थ्य मंत्री थे, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री, आप देख रहे होंगे दतिया में मेडिकल कॉलेज बन गया, दतिया में बड़ा अस्पताल बन गया, लेकिन मुरैना चिकित्सालय की वही हालत है। ग्वालियर जो है आरएसएस का गढ़ माना जाता है, ग्वालियर में आज की अगर स्थिति देखी जाए तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधार खोया है।